हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग। रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम वही प्रश्न बताते हैं जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है दोस्तों? इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क हमारा यहीं पर है, ठीक है? देखिए दोस्तों, एक किससे रिलेटेड है, ठीक है, उसी को हमें बताना है। देखिए दोस्तों, बच्चा पिता से, ठीक है, तो पुस्तक किससे होगा, ठीक है? देखिए दोस्तों, जिस प्रकार बच्चा का रचयिता पिता होता है, ठीक है, जिस प्रकार बच्चा का रचयिता पिता होता है, उसी प्रकार पुस्तक का रचयिता कौन होगा? लेखक, ठीक है? कौन होगा? लेखक, ठीक है, लेखक होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लेखक भरा जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया हुआ है? दर्जी का संबंध वस्त्र से है तो कृषक का किससे होगा, ठीक है? देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है, जिस प्रकार दर्जी वस्त्र सिलता है, ठीक है, उसी प्रकार कृषक क्या करता है? फसल उगाता है, ठीक है, क्या करता है? फसल उगाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फसल, ठीक है दोस्तों? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन नंबर तीन, स्याही का संबंध कलम से है तो रक्त का संबंध किससे होगा, ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, जिस तरह कलम का संबंध स्याही से होता है, उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे होगा? सिर से, ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सिर से ही खून निकलता है। आपके शरीर में कहीं भी चोट लगेगी तो आपको खून निकलेगा, ठीक है? उसी प्रकार स्याही कलम से संबंधित है तो रक्त सिर से संबंधित होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया हुआ है? महासागर का संबंध प्रशांत से है तो द्वीप का संबंध किससे होगा? द्वीप का संबंध ग्रीनलैंड से होगा, ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं, देखिए जिस प्रकार प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, उसी प्रकार ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, वो इसलिए ग्रीनलैंड द्वीप यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों? अब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पाँच, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या दिया हुआ है पठन, पठन का संबंध किससे है? ज्ञान से, ठीक है, तो कर्म का संबंध किससे होगा, ठीक है दोस्तों? देखिए, पठन का संबंध दिया है ज्ञान से, तो कर्म का संबंध किससे होगा? अनुभव से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये कैसे किया है, देखिए हम बताते हैं आपको, जिस प्रकार पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार कर्म करने से हमें अनुभव मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है? अनुभव, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाँचों प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों? आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लो, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही।